भीलवाड़ा के पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का महासतिया मोक्षधाम में अंतिम संस्कार राजशाही परिवार की परंपरा के मुताबिक किया जा रहा है। इससे पूर्व उनके निवास से राज परिवार की परंपरा के अनुसार अंतिम यात्रा रवाना हुई। राज परिवार से जुड़े लोगों तथा देश के प्रमुख राजघरानों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह को सभी ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह का जयपुर के RUHS अस्पताल में निधन हो गया था। हेमेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव थे, जिसके चलते उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा था और हालत नाजुक होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। गौरतलब है कि 1971 में हेमेंद्र सिंह मात्र 25 वर्ष की आयु में सांसद निर्वाचित हुए थे, जो कि संसदीय इतिहास में रिकॉर्ड कायम है। देश के सबसे युवा सांसद का रिकॉर्ड इनके नाम रहा है। 25 साल की उम्र में सांसद बने, संसद पहुंचे, अभी तक भी इनका रिकॉर्ड बरकरार है। आज दुनिया से विदा हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित हुए, RUHS में इन्हें भर्ती करवाया गया, ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता चला गया, वेंटिलेटर पर इन्हें लिया गया। आज हेमेंद्र सिंह ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाही परिवार की परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा निकाली गई है। काफ़ी संख्या में लोग उमड़े हैं, नम आँखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। RUHS अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा, अंतिम सांस ली, कोरोना पॉजिटिव हुए। कोरोना संक्रमण के चलते एक और दिग्गज नेता को देश ने खो दिया है। देश के सबसे युवा सांसद होने का गौरव इन्हें मिला। 25 साल की उम्र में सांसद बने, जो कि आज भी इतिहास है।